हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयरटेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं एक नया ऑफर लेकर आया हूँ, जहाँ बात करेंगे एयरटेल इंटरनेशनल रोमिंग पैक के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ पैक्स के ऊपर जो इनकमिंग कॉल है वो अनलिमिटेड है। मतलब आप कहीं फॉरन में जा रहे हैं तो अगर आप इन पैक्स को डलवाएंगे तो आपका जो इनकमिंग होगा वो अनलिमिटेड होगा। मतलब आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला इनकमिंग पे। अगर हम पहले की बात करें, जो पहले इंटरनेशनल रोमिंग पैक थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे और वहाँ पे आपको इनकमिंग के लिए भी पे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओनली 649 पे आपको अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल्स की सुविधा मिल रही है। और भी बहुत सारे ऑफर है इसके अंदर, और हम इस चीज़ को पूरे डिटेल में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ये एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक अवेलेबल है। और आप अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनाइटेड किंगडम जा रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड किंगडम के लिए जो पैक्स अवेलेबल है वो मैं फैच कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रिचार्ज कर सकता हूँ। तो आइए जानते हैं कि हम इस ऑफ़र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे एयरटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कैसे आप इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस और पैक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट से एक्टिवेट करना है इस पैक रोमिंग सर्विस को, तो आपको airtel.in पे विजिट करना है और लॉगिन करना है। अगर आप ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एंड लॉगिन करने के बाद आपको मैनेज अकाउंट में जाना है, फिर मैनेज सर्विसेज में जाना है और वहाँ पे आपको इंटरनेशनल रोमिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे किसी भी पैक को सेलेक्ट करिए और पे कर दीजिए। आइए हम जानते हैं कि वेबसाइट से कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले आपको airtel.in पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर और OTP डालना पड़ेगा। आपको सीधा ये लेफ्ट साइड में प्रीपेड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर पैक एंड सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ पैक्स अवेलेबल दिखेंगे, तो यहाँ पे आप किसी भी पैक को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप इस पैक को एक्टिवेट करेंगे और रिचार्ज करने के लिए जाएंगे तो आपका जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को चूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे 100 rupees का कैशबैक भी मिलेगा। सो ये एक और बेनिफिट है अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से पेमेंट करते हैं तो। तो यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल रोमिंग पैक है ये बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है और कुछ कंट्रीज़ के लिए ये जो पैक है वो कॉमन है। मतलब ये है कि अगर आप 196, 296 और 446 का रिचार्ज कराते हैं तो आप इन सारे कंट्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अगर आप UAE में हैं तभी भी आप इस रिचार्ज का यूज़ कर सकते हैं, अगर वो रिचार्ज वैलिड है तो। मतलब अगर जैसे अगर हम बात करते हैं 296 का, तो यहाँ पे 296 जो है वो उसकी वैलिडिटी है 30 डेज के लिए। अगर आप 30 डेज इन अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप जो है वो इस 296 रिचार्ज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इन 20 कंट्रीज़ में कॉमन है। तो मतलब अगर आप इन 20 कंट्रीज़ में जाते हैं और आपके मोबाइल में 296 का रिचार्ज है, तो आपको दोबारा कोई रोमिंग पैक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही रिचार्ज से इन सारे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सो अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये वाला प्लान, जो कि 10 दिन के लिए वैलिड है। यहाँ पे आपको 250 मिनट्स टू इंडिया मिलता है, मतलब आप 250 मिनट किसी भी इंडियन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे फ्री SMS भी मिलता है और फ्री डेटा मिलता है, 3GB डेटा। तो सो इस पैक की जो वैलिडिटी है वो 10 डेज है, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए काफ़ी है। तो मैं आपको इसी पैक के बारे में रेकमेंड करूँगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो एयरटेल इंटरनेशनल रोमिंग पैक के ऊपर। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल एयरटेल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऑफर्स के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।